नमस्कार बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उसके पहले नजर सुर्खियों पर। रांची के रिम्स परिसर में बॉयज हॉस्टल को खाली कराने का अल्टीमेटम जारी। 4 दिन के अंदर हॉस्टल को कराना होगा खाली। दंडाधिकारी कराए आज हॉस्टल को अवैध कब्जे से मुक्त। मांडर विधायक बंधु तिर्की को प्रमोशन को लेकर उठाए सवाल। विधानसभा सत्र में उठे सवाल। पदाधिकारी और कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर जांच के निर्देश जारी। कृषि कानून के विरोध में किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस। 20 फरवरी को हजारीबाग में निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। किसान मंत्री के हाथ रखी गई रैली की कमान। पीएलएफआई के नए नाम पर होती है अवैध वसूली। संगठन के नाम पर मांगते हैं 5 लाख की फिरौती। पुलिस ने रंगदारी मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। और गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन तेज। मोकामा में ग्रामीण क्षेत्र में लोग देंगे 2 दिवसीय धरना। धरने को सफल बनाने के लिए चलाया जाएगा संपर्क अभियान। खबरों की शुरुआत करते हैं। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने नियम संगठन प्रमोशन नहीं मिलने से विषय पर विधानसभा के बीते सत्र में सवाल किया, जिसकी देखरेख में एसटी एससी और पदाधिकारी को कर्मचारियों ने जांच कराने की मांग की है। इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने एक जांच कमेटी गठन की है, जिसने दीपक बीनरुआ और संयोजक नीलकंठ सिंह मुंडा, बंधु तिर्की और सरफराज अहमद को सदस्य बनाया गया। बुधवार को विशेष जांच कमेटी ने विधानसभा अध्यक्ष को रविन्द्रनाथ महतो को 365 पेज की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें झारखंड गठन के बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वरीय कर्मचारी को प्रमोशन से वंचित कर सामान्य वर्ग से कर्मियों को दिए गए प्रमोशन को रद्द करने के लिए कहा गया है, जिस पर कार्रवाई की मांग की गई है। विधानसभा से लेकर गवर्नमेंट के पास जाता है, इसमें बहुत कम ही छूटता है। विधानसभा का सारे अनुशंसाओं को सरकार मान लेती है और मेरा विश्वास है, उम्मीद भी है कि इस के अनुशंसाओं की सरकार निश्चित रूप से मान लेंगे और जो उचित कार्रवाई है वो निश्चित रूप से करेंगे। अब उसका जो जो भी परिवर्ति है, प्रक्रिया है, सारा चीज किया जाएगा। इसमें अनुशंसा और जो प्रतिवेदन है वो 31 पेज की है और उसमें सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत सरकार की गाइडलाइन, झारखंड सरकार के सभी संकल्प और बीच बीच में जो भी डीपीसी के माध्यम से कार्रवाई की गई है प्रोन्नति से संबंधित मामले, सारा चीज परिशिष्ट में उनका एनेक्सर के रूप में वो लगा हुआ है, सारे एविडेंस है। और ये सबसे पहले इस प्रतिवेदन को समर्पित करने के पहले बंधु जी को मैं बहुत ही बंधु जी, सरफराज अहमद जी, नीलकंठ सिंह मुंडा जी जो माननीय सदस्य रहे इस कमेटी के, उनको बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों ने ये रिपोर्ट माननीय स्पीकर महोदय को सौंपा है और ये बिल्कुल ही एकदम मैंने जिसको कहा जाए प्रमाण के साथ। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बीच में जब कमेटी की बैठक चल रही थी तो हमारे सभापति जो दीपक बिरुआ जी है, हम लोगों ने सारा निर्णय लिया था कि भाई जब तक जांच चल रही है तब तक किसी भी तरह का प्रोन्नति नहीं दिया जाए। लेकिन भी ये लोग रोकने में आनाकानी कर रहे थे, तब बात को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। हम लोगों ने पूरे एसटी एससी लोगों का विधायक लोग का बैठक बुलाया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी शामिल हुए और उन्होंने अविलंब आपके जो प्रोन्नति है पूरे उसको तत्काल प्रभाव से उसको स्थगित कर दिया। रांची के रिम्स अस्पताल में परिसर में स्थित बॉयज हॉस्टल को जिला प्रशासन ने अल्टीमेटम देते हुए 4 दिनों के अंदर हॉस्टल को खाली कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर बड़गाई सीओ शैलेश कुमार ने नेतृत्व में दलबल के साथ पुलिस के जवान लापवानी बायन हॉस्टल पहुंचे और हॉस्टल को खाली कराने में जुटे हैं। आपको बता दें रिम्स परिसर में स्थित इस लापरवाही बयाज हॉस्टल में कुल 48 कैमरे हैं, जिसने अवैध रूप से छात्रों ने कब्जा रखा है। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस बलों ने मात्र एक ही कैमरे को खाली कराया और आगे की प्रक्रिया जारी है। आज फिर से पुलिस के जवान दल बल के साथ हॉस्टल पहुंचे और हॉस्टल को खाली कराने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
आज हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी रांची के आदेश के आलोक में हम लोग यहाँ रिम्स छात्रावास आए थे, जिसमें की जानकारी मिली कि कुल 48 कमरे हैं, जिसमें कुछ छात्र काफी दिनों से रह रहे हैं और इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जैसा कि रिम्स प्रशासन द्वारा बताया गया है। उसी आलोक में हम लोग आज खाली कराने आए थे और कुछ कमरे पूर्व में ही खाली कर दिए गए हैं और कुछ कमरे जो कि खाली हैं परंतु ताला लगा करके छोड़ दिया गया था, उसका ताले को तोड़वाया गया है। उसकी जो भी सामान पाया गया है उसकी इन्वेंट्री बनाई गई है और इस प्रशासन को हस्तगत करा दिया। कृषि कानून के विरोध की ओर से किसानों और आंदोलन के समर्थकों में कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसी उद्देश्य से आगामी 20 फरवरी को हजारीबाग में विशाल ट्रैक्टर रैली सह किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आयोजन को सफल बनाने के लिए सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने खुद ही कमान संभाल रखी है, इसलिए वो लगातार हजारीबाग जिले के दौरा कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से देर रात मंत्री बादल पत्रलेख कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बैठक किया और बैठक में 20 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ साथ कांग्रेस के विधायक और भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे, लिहाजा तैयारी भी काफी जोर शोर से जारी है। 20 तारीख को देश स्तरीय ट्रैक्टर रैली सह किसान सम्मेलन के सफल संचालन हेतु जिला कांग्रेस कमेटी और सभी वरीय नेता के साथ माननीय विधायक जी, माननीय पूर्व प्रत्याशी जी या फिर जो नेता उभरते हुए नेता हैं उनके साथ और सभी प्रखंड अध्यक्ष निरीक्षक होगा, जिला के जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ एक अति महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें 13 तारीख के जिला मुख्यालय में पदयात्रा और 20 तारीख को प्रदेश स्तरीय रैली की रूपरेखा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। शांति व्यवस्था कैसे कायम हुए, शांतिपूर्ण तरीके से कैसे लोग आए, जो दूर से लोग आए उनके लिए कैसे क्या व्यवस्था करें, इन सब चीजों को लेकर मैराथन बैठक थी। नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह जानू ने नाराजगी जाहिर की है। ज्ञानू ने आरोप लगाया कि नीतीश कैबिनेट में अनुभवी लोगों को नहीं लिया गया है। इतना ही नहीं, विधायक ने पार्टी के ऊपर से यह भी आरोप लगाया है कि कुछ चुनिंदा नेता बिहार में पार्टी को जला रहे हैं और यहां आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे हाल हो जाएंगे। ज्ञानू ने नाराजगी के सामने आने के बाद बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री पद को लेकर सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है, हर कोई मंत्री बनना चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। इसी के साथ ही जायसवाल कहा गया है, जायसवाल ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री पद को लेकर सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है, हर कोई मंत्री बनना चाहता है, लेकिन हकीकत में यही ये है कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। इसी के साथ ही जायसवाल ने कहा कि यह सब कुछ परिवार के अंदर का मामला है और इससे ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नाराजगी जाहिर की है। ज्ञानू ने आरोप लगाया है कि नीतीश कैबिनेट में अनुभवी लोग नहीं लिया गया है। इतना ही नहीं, विधायक ने पार्टी के ऊपर से यह आरोप लगाया कि कुछ चुनिंदा नेता बिहार में पार्टी को चला रहे हैं और यहां आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा हाल हो जाएगा। ऐसा देखिए, हर किसी की इच्छा, हर किसी की आकांक्षा होती है, बनना तो किसी लिमिटेड ही को है। सब हम आपस में एक परिवार के हैं, आपके भी परिवार में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, सब मिलकर चलाएंगे। नक्सली संगठन PLFI के नाम पर वसूली करने वालों के रांची पुलिस ने गिरफ्तारी कर बड़ी सफलता पाई है, जिसमें बेड़ो थाना क्षेत्र के नितेश महतो और मोहन उराव नाम के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
आपको बता दें कि क्षेत्र में कुछ दिनों से संगठन के नाम पर भय बनाकर लोगों से लेवी वसूलने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। वहीं इसी क्रम में बेरो थाना क्षेत्र के वादिनी जसंती टोपो पति अमरजीत उड़ाव ने थाने में लिखित आवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि वादिनी जस्ती टोपो के पति के मोबाइल पर फोन करके संगठन के नाम पर 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। वहीं सूचना पर कार्रवाई करते हुए रांची ग्राम पुलिस अधीक्षक ने पुलिस उपाध्यक्ष बेड़ो रांची को देखरेख में टीम का गठन किया। मामले की तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कंप्लेन हम लोगों को मिल रहा था कि संगठन के नाम पर नौकरी के साथ में उनकी पत्नी से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। आपस में बातचीत किए तो 1 लाख पे तय हो गया था कि 1 लाख तुमको देना ही होगा, नहीं तो फिर अंतिम रूप से तुमको समझना पड़ेगा कि सिखाई हमको तुमको दे देंगे, बता देंगे कि क्या कर सकते हैं, हालात तो मौत के घाट पर आ जाएंगे, इस टाइप का थ्रेटन था। तब इसने थाने का जयसंती टोपो उनकी वाइफ थाने का सहयोग ली है। संज्ञान में जब हम लोगों के पास आई है तो हमारी टीम का गठन किया गया और टीम जाके रंगदारी मांगने वाले दो लोगों की गिरफ्तारी की है। मोकामा में गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बाढ़ अनुमंडल मुख्यालय पर 2 दिवसीय धरना देने की बात कही है। आपको बता दें कि धरना 12 और 13 फरवरी को दिया जाएगा। वहीं धरने को सफल बनाने के लिए आज मोर गांव के संपर्क अभियान चलाया गया। समाज में आज लगातार हत्या होती जा रही है, जिसमें कि एक लव हत्याकांड तो जो फोर लाइन में गड़ी हुई है, प्रशासन सर्वविदित जानती है, कन्फेशनल स्टेटमेंट में सारी बात आ चुका है कि फोर लाइन में गड़ा हुआ है और इसके लिए हमने काफी उच्च पदाधिकारी से लेकर के मंत्रालय तक, गृह मंत्रालय तक भी इसका गुहार लगाया। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपर फास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। लातेहार के महुआरार के स्थानीय पत्रकार के साथ एसबीआई शाखा प्रबंधक पवन कुमार ने दुर्व्यवहार किया, जिसे लेकर महुआरार पत्रकार संघ ने अनुमंडल पदाधिकारी निखिल सुरीन से शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की है। लातेहार के महुआरार में स्थानीय पत्रकार के साथ एसबीआई शाखा प्रबंधक पवन कुमार ने दुर्व्यवहार किया। इसको लेकर पत्रकार संघ ने अनुमंडल पदाधिकारी निखिल सुरीन ने शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं आवेदन में लिखा गया है कि स्थानीय पत्रकार शहजाद आलम के साथ शाखा प्रबंधक ने जो दुर्व्यवहार किया है, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान है। इस तरह का दुर्व्यवहार बिल्कुल गलत है, इस पर कार्रवाई की जाए। लातेहार के मऊआरार के स्थानीय पत्रकार के साथ एसबीआई शाखा प्रबंधक पवन कुमार ने दुर्व्यवहार किया, जिसको लेकर मऊआर पत्रकार संघ ने अनुमंडल पदाधिकारी निखिल सुरीन से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। वहीं आवेदन में लिखा गया है कि स्थानीय पत्रकार शहजाद आलम के साथ शाखा प्रबंधक ने दुर्व्यवहार किया, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान है, इस तरह का दुर्व्यवहार बिल्कुल गलत है, इस पर कार्रवाई की जाएगी।
लातेहार के महुआड़ार में स्थानीय पत्रकार के साथ एसबीआई शाखा प्रबंधक पवन कुमार ने दुर्व्यवहार किया, जिसको लेकर महुआड़ पत्रकार संघ ने अनुमंडल पदाधिकारी नितिन से शिकायत की है। पलामू के डालतागंज शहर में एक घायल को चला रहे इस मामले को लेकर सुरेश सिंह चौकी के पास आपसी विवाद में अपराधियों ने वकील दिलीप तिवारी पर गोली चलाकर उन्हें घायल कर दिया। इस हमले में दिलीप तिवारी के पैर पर गोली लगी। घटना की जानकारी मिलते पर मौके पर पुलिस पहुंचकर घायल दिलीप तिवारी को एमएमसीएच में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस ने तमाम बिंदुओं पर तफ्तीश कर रही है। पलामू के डालतागंज शहर थाना क्षेत्र में सुरेश सिंह चौक पर के पास आपसी विवाद में अपराधियों ने वकील दिलीप तिवारी पर गोली चला दी और उन्हें घायल कर दिया। इस हमले में दिलीप तिवारी के पैर पर गोली लगी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायल दिलीप तिवारी को एमएचसीएच में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। रांची के रिम से चंदन वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, जिस हिसाब से हॉस्टल खाली करवाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ परिस्थिति वहां देखने को मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों से ये प्रक्रिया चल रही थी कि जो अवैध रूप से कब्जे वाले जो रूम हैं, जो हॉस्टल है, उसे खाली कराया जाए, तो आज हॉस्टल नंबर 4 में जो बॉयज हॉस्टल है उसमें कई ऐसे रूम हैं, यानी 48 ऐसे रूम हैं जो कई सालों से पास आउट स्टूडेंट के कब्जे में अभी भी थे। जो है तोड़ा जा रहा है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से इस प्रक्रिया दिखाना चाहूंगा कि जो बरियातू सीओ है वो मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ मौजूद है और उनकी ही देख रेख में जो है पुलिस दल बल के साथ फोर्स यहाँ मौजूद है और रूम का जो ताला है वो तोड़ा जा रहा है और क्या कुछ अंदर है उसकी पूरी सूची बनाकर जो है वो मजिस्ट्रेट के नजर में पूरी सूची बनाकर उसे रखा जाएगा। फिलहाल जो 48 कमरे हैं उनको तोड़ा जा रहा है और इस दौरान जो भी कमरे का ताला को तोड़ा जा रहा है उनमें फिर नया ताला लगाया जाएगा और अंदर जो भी चीजें हैं, जो अपने स्टूडेंट के जो सामान है वो कुछ जो सामान जो पड़े हुए हैं उनकी सूची बनाई जाएगी और उसे एक बोरे में बंद करके एक उचित स्थान पर रखा जाएगा जहां अगर जो स्टूडेंट का जिनका भी सामान है वो अगर आकर भविष्य में दावा करते अपने सामान को पाने के लिए तब उनका सामान जो है उस स्थिति में लौटा दिया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से सारा प्रक्रिया जो है यहाँ पे चल रहा है, पूरी फोर्स यहाँ पे बरियातू थाना का जो फोर्स है उसे लिया गया है। पुलिस बल की संख्या जो है यहाँ पर मौजूद है क्योंकि खतरा यह भी रहता है कि जो कुछ जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो आक्रोशित ना हो जाए और ऐसे में हमलावर ना हो जाए, तो इन सब चीजों से निपटने के लिए जो पुलिस है पूरी तैयारी के साथ आई है और इसकी प्रक्रिया जो है पहले से की जा रही थी। यहाँ तक कि जो रूम थे, कमरे थे, उन कमरों पर इश्तिहार भी चिपकाया जा चुका था और अब जो है यह रूम के ताले जो है वो तोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। जी चंदन, जिस हिसाब से हॉस्टल का ताला तोड़कर वहाँ पे देखा जा रहा है, इस दौरान छात्रों को क्या बताया नहीं गया था? क्या वो अवैध रूप से उन्होंने कब्जा कर लिया, क्या इस बारे में हॉस्टल में पता नहीं था लोगों को? जी, उनसे जो है उनको पूरी तरह से सूचना दी गई थी कि जो भी अवैध रूप से कब्जा वाले रूम है उनको खाली किया जाए, लेकिन कई छात्र ऐसे थे जो कि रूम को खाली नहीं कर रहे थे और इससे जो है समस्या बढ़ती जा रही थी। जो नए छात्र आ रहे थे उनको रहने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और जिसे लेकर जो है एक चिंता की विषय बनी हुई थी और आज जो है
जो रिम्स प्रशासन ने पुलिस बल का इस्तेमाल करते हुए फोर्स यहाँ तैनात करते हुए पूरा जो 48 कमरे हैं उसे खाली कराने का प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दिया है। चंदन, इसको लेकर पुलिस और क्या कुछ कार्रवाई करेगी? जी देखिए, आपको दिखा दूं सूर्य के माध्यम से, देखिए जो भी रूम से जो पुस्तक और सामान जो बरामद हो रहे हैं उनकी सूची बनाकर ऐसे ही बोरों में रखी जा रही है। हमारे साथ मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद है सर, किस तरीके से ये प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है? टोटल 48 कमरे हैं जिसमें से अभी लगभग 20 कमरे खाली हो चुके हैं और जो बचे हुए कमरे हैं उसको आज खाली कर लिया जाएगा। कुछ लोगों के कुछ जेन्युइन कारण है जिस कारण से एक दो दिन का समय मांग रहे हैं, तो कल तक ऐसे दो चार लोग हैं जिनको समय दिया गया है और आज अधिकतर को खाली कर लिया जाएगा। सर, फोर्स का भी सहायता लिया गया है, तो क्या अंदेशा था यहाँ पर कि कुछ ऐसा न कि अप्रिय घटना हो सके, कुछ हमला वगैरह हो सके? मैं ऐसे मामले में हमेशा अंदेशा लेकर के ही चलते हैं हम लोग, बट ऐसी कोई समस्या आई नहीं है और फोर्स का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ा है, बस वो सहयोग कर रहे हैं और जो भी सामान जिनके कमरे से जो बरामद हो रही है उनकी इन्वेंट्री बना करके रिम्स प्रशासन को हस्तगत कराया जा रहा है। धन्यवाद सर, आपने जानकारी दिया। सर, एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा कि अगर आगे जाके भविष्य में अगर कोई छात्र अपने सामान पे दावा करते हैं तो उनको कैसे लौटाया जाएगा, इसके बारे में? नहीं, जो भी सामान जिनके कमरे से बरामद हो रही है उनके सारे की सूची बनाई जा रही है, सूची को के साथ वो जो सामान जिसमें बोरे में पैक किया जा रहा है उसमें चिपकाया जा रहा है और रिम्स प्रशासन को उसको हस्तगत कराया जा रहा है। जब भी वो अपने कभी दावा करेंगे तो उनको रिम्स प्रशासन द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। कब तक रूम सभी रूम के ताले तोड़ दिए जाएंगे? मैक्सिमम तो जैसे मैंने पहले बताया कि लगभग 20 कमरे खाली हो चुके हैं और आज तक का समय हम लोगों ने दिया था, तो अभी जो कमरे हैं आज शाम तक मैक्सिमम खाली कर लिया जाएगा। दो चार कमरे जिनके कुछ वास्तविक कारण है, जो कुछ बाहर चले गए हैं या किसी का कुछ और फैमिली रीजन है, तो उनको कल तक का समय दिया गया है, बाकी अधिकांश आज खाली कर दिए जाएंगे। ये थे शैलेश सिन्हा जो कि मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद हैं और जो अभी कुछ देर के बाद जो है लगभग उम्मीद जताए जा रहे हैं कि सभी जो रूम के ताले हैं वो तोड़ लिए जाएंगे और जो छात्र एक दो दिन का समय लिए हैं वह स्वतः आके अपना सामान निकालकर रूम का जो चाबी है वो रिम्स प्रशासन को स्वतः सौंप देंगे। जी पूजा जी, चंदन, जिस हिसाब से एक बार जिस हिसाब से रांची में हॉस्टल में छात्र घुस गए और इस दौरान अवैध रूप से उन्होंने कमरों पर कब्जा कर लिया, इसको लेकर क्या जानकारी नहीं थी वहां के लोगों की? चंदन, आवाज पहुंच रही है आपको? मैं आपको बता दूं कि इसमें दो बातें हैं कि जिस तरीके से जी बोलिए। चंदन, जिस हिसाब से छात्र घुस गए कमरों में और इस दौरान उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया, क्या इसको लेकर जानकारी नहीं थी पहले से? जी बिल्कुल, इसके बारे में रिम्स प्रशासन को जानकारी थी क्योंकि ये वैसे छात्र हैं जो रिम्स में पढ़ाई कर रहे थे लेकिन पास आउट हो गए और अब यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका ताला जो है इस कमरे में लगा हुआ है और अंदर में कुछ सामान वगैरह भी उनके हैं, तो ऐसे छात्रों को जो है सूचित किया गया था रिम्स प्रशासन की ओर से जल्द अपना सामान निकालकर जो कमरे हैं जो हॉस्टल के कमरे हैं उसे खाली कर दिया जाए, लेकिन जो छात्रों का जो ये कमरा है जिनका अवैध रूप से कब्जा है
उन्होंने रिम्स प्रशासन की बात ना मानते हुए अभी तक जो है कमरा खाली करके चाबी रिम्स प्रशासन को नहीं सौंपा है, जिसके आलोक में आकर आज जो है कई दिनों से प्रक्रिया ये चल रही थी, अब जो है प्रशासन की मदद से बंद कमरों का ताला तोड़ा जा रहा है और अब जो है ताला तोड़कर उसके अंदर जो भी मौजूद सामान है उसकी सूची बनाकर सारा सामान जो है रिम्स प्रशासन को सबूत कर दिया जा रहा है, उसमें नया ताला लगा दिया जा रहा है। अब यानी साफ तौर पर आपको एक बात बता दूं कि ये कोई बाहरी स्टूडेंट नहीं थे, जो रिम्स के अंदर जो पढ़ते थे वही स्टूडेंट का यह कमरा था, वही स्टूडेंट यहाँ रहते थे, लेकिन वो पास होकर अब यहाँ से चले गए तो नियम के अनुसार से उनको रूम भी खाली कर देना चाहिए। जो रूम नहीं खाली किए उनसे रूम खाली कराया जा रहा है और बाद में जब वो आएंगे तो अगर अपना सामान पे दावा करते हैं तो वो सामान उनको उनके सूची के अनुसार जो है बरामदी के अनुसार लौटा दिया जाएगा। चले चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबर लातेहार के नरहरहाट से है, जहां नाबालिग ने लातेहार के एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि गांव की एक युवती ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, साथ ही जान से मारने की धमकी दी थी, जिसको लेकर ये मामला दर्ज किया गया है। और आपको बता दें कि नाबालिग ने लातेहार एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, साथ ही जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद से वो गर्भवती हो गई। वही मामले में पीड़ित की मां ने थाने में तहरीर दी और इंसाफ की मांग की है। लड़का जो था से पानी पिए से बहना घर में गई थी और दवाड़ी लगा के मुंह में लुगा डाल के और बलात्कार करके और लड़का फिर रखने के इनकार जा रहा है। उसका बच्चा है अभी 8 साल के पैदा हुआ है। कृष्णा यादव का बेटा दीपक यादव और रुचन यादव का बेटी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपर फास्ट सिर्फ साधना प्लस पर।